बच्चा? जी बाबा। पहचान में तो नहीं आ रहा? नहीं बाबा। लगता है काली सूरत काम आ गई। जी बाबा, मैं पहचान में तो नहीं आ रहा। अबे पहले पहचान तो बता। बच्चा। जी बाबा। इस साल हमने नया धंधा शुरू किया है। जी। ऐसे लेकर लोगों का समाधान करेंगे। जी। पर लोगों का समाधान हो ना हो, ऐसों का समाधान जरूर होगा। ठीक है बाबा। जा। जी बाबा। परसों एक कुत्ते को खुजली हो रही थी। जी। पर उसका पंजा नहीं पहुंच रहा था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, बाबा ने खुजाया। बाबा आपको उससे पैसे मिले? नहीं बच्चा। क्यों? कभी कभी बाबा को भी खुजली हो जाती है ना, तो कुत्ता खुजाता है। अच्छा बाबा, अगर लोगों ने हमें पहचान लिया तो बहुत मार पड़ेगी। अबे नहीं, तूने वो कहावत सुनी है? कौन सी? कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। नहीं सुनी। अरे तो तूने वो तो कहावत सुनी होगी, भारत में 13% लोग मूर्ख हैं। हाँ वो तो मैंने सुनी है। सुनी है ना? हाँ बाबा वो तो मैंने सुनी है। तो उन 13% में से 12% तू ही है गधे। बाबा आपकी आज्ञा हो तो मैं स्थान ग्रहण कर लूँ। थक गया बाबा खड़े खड़े। ठीक है बच्चा, बैठ जाओ। धन्यवाद बाबा। देख बच्चा। जी बाबा। मैं तुझे आज ज्ञान की बात बताता हूँ। जी। ध्यान से सुनना। जी। देख, समस्या जिसकी बड़ी हो ना तो 5100 रुपए लेना। ठीक है। और छोटी हो तो 2100 रुपए लेना। ठीक। और उससे छोटी हो तो 1100 रुपए में काम चला लेना। बाबा अगर उससे भी छोटी हो तो? मना कर देना। क्यों? हम फोड़े और फुंसियों का बाल तोड़ कर इलाज नहीं करते। ठीक। जल्दी आओ ना, पैरों में मेहंदी लगी है क्या? बाबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल। बाबा ये मत वाली चाल। मैंने सुना काफी लोगों का भला हुआ है अलखोड़ी नाथ जंगल में, वहाँ कोई बाबा बैठते हैं। चलो ठीक। अपने कोई औलाद नहीं है, वहाँ चलते हैं। मैंने सुना काफी लोगों का समाधान हुआ है। औलाद वालों फूलो फलो। बाबा बाबा जा। बाबा बहुत दिन हो गए, घर से घर छोड़ा, बीवी बच्चे छोड़े, ये आगे वनवास में रह रहे हैं। बाबा महीनों गुजर गए, मुद्दत गुजर गई, बाबा आंखें पथरी आ गई, आंखों का पानी सूख गया बाबा। अरे बच्चा मैं भी तो परेशान हो गया, लेकिन बाबा अभी तक कोई कन्या दिखाई नहीं दी है बाबा। इस दिल को कैसे समझाऊं मैं बाबा? अरे बेटा जंगलों में भटका, मैं भी घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, सब लोग छोड़ा। ए प्रभु, एक तो भेज दे जो मेरी आंखों की ठंडक मिटा दे। ए प्रभु, इतनी तपस्या करी तेरी मैंने प्रभु। अलग निरंजन बाबा, कन्या कन्या तैयार हो, जल्दी कर, जल्दी कर कन्या कन्या, एक तो कन्या आई है। अलग निरंजन औलाद वालों फूलो फलो। यहाँ जंगल में कोई बाबा है? किधर है वो? आगे इसी जंगल में रहते हैं, यहीं पे थोड़ा सा। प्रणाम बाबा। क्या नाम है तुम्हारा बालके? बाबा मुस्कान। ओ मुस्कान, हेलो मुस्कान, आई एम बाबा। आज तुम पे प्यार आया है। बाबा बताओ कन्या, क्या परेशानी है तुम्हारी? बाबा हमारी शादी को 52 साल हो गए और अभी तक कोई औलाद नहीं है। फिकर मत करो कन्या, बाबा के पास हर समस्या का हल है। बाबा अगर हमारे बच्चा हो गया तो हम आपका मुंह मोतियों से भर देंगे। फिकर मत करो कन्या, समाधान होगा। चलो कन्या झाड़ के पीछे। बाबा कहाँ? नहीं, कहाँ जा रहे हो बाबा? अरे बेटा झाड़ के पीछे जा रहे हैं। नहीं। अरे हम जाएंगे तभी तो समाधान होगा। नहीं, सामने ही होगा समाधान जो होगा। अरे बच्चा तुम्हें बच्चा चाहिए नहीं चाहिए? बच्चा तो चाहिए, पर झाड़ के पीछे क्या करोगे? अरे तो मूर्ख, हम जाएंगे तभी तो समाधान होगा। ले जाओ, लेकिन बच्चा होना चाहिए। अरे मूर्ख, बाबा पे संदेह कर रहा है।
गोल माल है भाई सब गोल माल है गोल माल है भाई सब गोल माल है गोल माल है बाबा टिल्लू बाबा गए हुए बहुत टाइम हो गया अभी तक तो आए नहीं है बच्चा तुम्हें नहीं मालूम बाबा की स्पीड 4G है अगर नेटवर्क सही मिल गया तो हो सकता है बच्चा साथ में लेकर आएंगे बच्चा मेरे बिना नहीं नहीं बच्चा जो आप समझ रहे हो वैसे वो बात नहीं है बाबा बच्चे का समाधान साथ लेकर आएंगे अच्छा लो देखो आ गए बाबा समाधान हाँ। हो गया ये लो प्रसाद फिकर मत करो कन्या अगली बार आओगी तो बच्चा साथ लेकर आओगी चलो धन्यवाद बाबा गए बाबा वाह बताओ तो क्या हुआ बाबा बताओ ना बाबा बताओ ना क्या हुआ झाड़ी में मत पूछ बच्चा फुल आइटम मस्त तपस्या की है पूरी हो गई भैया बाबा भैया कब मिलेगा बाबा ये मौका बच्चा अगली बार में तेरा पक्का बाबा कन्या कैसी थी अरे मस्त थी कन्या मस्त बाबा स्वभाव कैसा था कन्या का अरे मत पूछ बच्चा बाबा हाँ बेटा ऐसा प्रतीत हो रहा है कोई आ रहा है क्या बात कर रहे हैं जल्दी कटप बाबा बहुत दिनों से परेशान हूँ मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है बाबा मैं सट्टे में समझ लो घुल्लक तक का पैसा हार गया हूँ फिकर मत करो बच्चा समाधान होगा बाबा कल डब्बे 4 आई थी लेकिन किसी ने मुझे धोखा देके 5 लगवा दी बाबा मेरा घर भी बिकने वाला अब आपका ही सहारा है बाबा बचा लो बाबा बिल्कुल बाबा बचा लो बाबा क्या ये ले जितनी गोटी दे रहा हूँ उतनी लगा देना और बीच में खोल के मत देखना ठीक है बाबा ठीक है बाबा सही है मेरी गर्लफ्रेंड हर दूसरे चौथे दिन शॉपिंग के लिए जाती है बर्बाद कर रखा है उसने मेरे को एक काम करो बेटा बताइए बाबा तो उसकी गंजी कर दो कभी नहीं जाएगी गंजी आइडिया तो अच्छा लग गया चलो ठीक है महाराज ये भी करके देंगे अच्छा बाबा चलते हैं नमस्कार ठीक है बाबा बाबा की जय हो बाबा की बाबा हाँ बेटा मुस्कान आ रही है क्या बात कर रहा है मुस्कान लगता है तुम्हारा फार्मूला काम कर गया मटका लगा हुआ है धन्यवाद बाबा ओ मुस्कान हमने कहा था ना समाधान होगा देखो हुआ ना लो बाबा और बच्चों के जन्मदिन पर जरूर आना है ठीक है अवश्य आए नमस्ते बाबा बाबा देख तो लो आज कितनी कमाई हुई हाँ देखो बच्चा देखो ताऊ बाबा बाबा ये क्या नकली करेंसी का नोट दे रहा साले बाबा को धोखा बाबा को चूना लगा बाबा हम सबको चूना लगा तो बाबा चूना लगा गया अरे मेरे भाई जावेद मैंने सुना है वो बबलू रहता है बबलू की बीवी है जो मुस्कान उसकी वाइफ के मैंने सुना है बच्चा बाबा का है की बच्चे में अरे बेटा उसकी बात तो सुन ले बबलू यार ऐसे तो पूरा गांव अपना गंदा हो जाएगा पूरा गांव को गंदा करे पड़ा ही बाबा बाबा को भजाया जाए यहाँ से बाबा को भजाया नहीं जाए आज भी बाबा से इससे फाइनल हो जाएगा आज उसके बाबा की मिचाई के बच्चा तुमने कराए पूरा गांव को गंदा कर दोगे अबे चेले को भी पकड़ो चेले को भी पकड़ो